Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आप सबकी मुजीन दरबार शेख एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, बचपन से लेके आज तक जितने भी मतलब होश आने के बाद मैंने रोज़े रखे हैं रमज़ान के महीने में, मतलब जितने भी रमज़ान के महीने देखे हैं मैंने, ये रमज़ान का महीना सबसे फास्ट था। मतलब आप लोग अगर मुझसे अग्री करते हो, मुझे पता है बहुत से लोग करेंगे, क्योंकि सच में ये वाला रमज़ान का महीना बहुत फास्ट गया और बहुत दुख के साथ अलविदा कहना पड़ रहा है माह रमज़ान को। मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सबको अल्लाह ये नसीब करे रमज़ान का महीना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और बस मेरे मतलब ये मेरे सेकेंड 29th ट्रेन की आवाज़ आ रही है सर, ये मेरा 29th इफ्तारी और सहरी का व्लॉग है, बट आएगा 30th रोज़े पे, बिकॉज़ बहुत गड़बड़ी है तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो यस, आप लोग को एडवांस में ही ईद मुबारक और चांद मुबारक, अभी मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, बट इंशाल्लाह जब व्लॉग एंड होगा तो हम आपको फिर से मुबारकबाद देंगे। और बस अभी आप लोग देखिए जो भी मैंने शेयर किया, मुझे बहुत पता नहीं, बहुत दुख हो रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट सभी को हो रहा होगा कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे, हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी गुनाहों को माफ़ करे और एक अच्छा इंसान बनाए, बेहतर इंसान बनाए। तो चलो आप लोग अभी मेरा व्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। सो गाइज, अभी मैं चेंज कर रही हूँ कर्टन्स और बेडशीट भी निकाल दिया है, बेडशीट्स भी चेंज करना है, तो जल्दी जल्दी सब चेंज कर लेते हैं। चलो कर्टन्स लगाकर हो गया, अब मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ। आप लोग को अगर याद होगा, ये वाला रमज़ान से पहले 3 बेडशीट्स लिए थे मैंने और शेजान ने, तो उसमें से एक तो मैंने चांद रात के दिन बिछा दिया था और अब मैं ईद की चांद रात के दिन बिछा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे करना है डस्टिंग, तो ये बाद में बिछाऊँगी वरना उस पर सब डस्ट गिर जाएगा। तो चलो डस्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलो ये देखो, माशाल्लाह पूरा रूम हो गया है क्लीन। और ये रही हमारी बेडशीट, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ओके सो यस, वी आर डन विद क्लीनिंग, अब चलते हैं इफ्तारी की तैयारी करने। ये देखो, ये आम की पेटी ऑल द वे फ्रॉम वापी आई है, और आप लोगों को पता है ये किसने भेजा है, ये हमारे जैद भाई ने हमारे लिए लेकर आए, सबके लिए लेके आए, घर वालों के लिए, तो यहाँ पे भी भेज दिया माशाल्लाह। इतनी खुशी हो रही है ना आम देखकर, मतलब अभी तो सच बोलूँ यहाँ पे आम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, वापी में बहुत अच्छे आम मिलते हैं, मेरे डैड भी पहले बहुत लाते थे तो मुझे याद है, तो इस टाइम जैद लेके आया, तो बहुत खुशी हुई आम देख के। सो जज़ाकअल्लाह खैर जैद, अल्लाह तुझे और दे इंशाल्लाह। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ गई देख कर। सो गाइज़, यहाँ पे मैं जो समोसे की पट्टी होती है उसको मैंने लिया है। मैं थ्रेड चिकन देखो ऐसे बना रही थी, वैसे मैरिनेशन तो अभी वो ऑलरेडी मैंने मैरिनेटेड करके रखा है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखो, ये जो मैरिनेटेड चिकन थी वो मैंने थोड़ा सा मतलब बचा कर रखी थी। अब इसे ये समोसे की पट्टी को जो मैंने सब कट करके रखा है लेफ़्ट साइड में, उसके अंदर इसे डिप करूँगी और अच्छे से लगा कर फिर इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने ये रगड़े का वटाना रात में ही भिगा दिया था, तो अभी इसे बना देते हैं। ये शेजी ने मैंगो का जूस लेके आया था जो रेडीमेड मिलता है, जैसे आमरस पूरी के साथ हम खाते हैं, तो मैं इसका जूस बना रही हूँ। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ दूध, ताकि वो गाढ़ा नहीं रहे, अच्छे से मतलब एक मैंगो मिल्क शेक जैसा हो जाए। तो बस अभी देखो, हमारा ये मैंगो मिल्क शेक हो गया है तैयार, और इसे अभी मैं फ्रिज में रख के अच्छा ठंडा करके फिर हम इसे पियेंगे। ये मैंने भजिए के लिए आलू कट कर दिए हैं, मतलब पतले पतले स्लाइसेस में कट कर दिए, और साइड में मैं उसका भजिए का बेसन रेडी कर रही हूँ,
तो इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देते हैं, मतलब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह, नमक, अदरक, लहसुन और क्या डालते हैं भूल गई मैं, हल्दी, और ये सब डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। आलू के भजिए में सोडा खार नहीं डालते हैं, तो उसके बिना ही बस अभी इसे कला लेते हैं एंड देन हम इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा रगड़ा भी हो गया है तैयार। अब चलो सारी चीज़ें फ्राई करना शुरू करते हैं। पहले के जो फ्रोज़न आइटम है वो सब भी तैयार किया, यहाँ पे तेल भी गर्म है, सो बस सब कुछ रेडी हो गया है। चलो फ्राई करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आखिरी इफ्तारी इस साल के रमज़ान की। ये देखो प्याज का भजिया और आलू के भजिए का सब रेडी है। सो यस, चलो अभी क्या नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मिलते हैं ये सारी इफ्तारी के व्लॉग के साथ में, और बस अल्लाह सबको नसीब करे, आमीन आमीन। ये जो दोनों थाली है ये मैंने अपने नेबर के लिए रेडी किया है, तो अभी हम जल्दी से बाजू में दे देते हैं। और यहाँ पे घर का रगड़ा भी है, और ये जो डब्बे में ये हमारी अमीना जो हाउस हेल्प है उनके लिए, और ये डब्बे में भी सब इफ्तारी पहले ही निकाल दिया है। वहाँ पे भी है लेकिन ये मेरा अच्छा जमा हुआ और इसका हार्ड फिनिशिंग अच्छी है, तो देख ले रही है। यस, बढ़िया, सबको नसीब करे। सही बात है, इतने अच्छे से हिल भी नहीं थी, आवाज़ नहीं आई थी। सो देखो ये अंकल के पास में ये ऑल्टरेशन करवाते हैं, पावर लुक के एग्जैक्ट बाजू में ही बैठते हैं अंकल। और एक पहले मैं लेकिन ना भी बढ़िया, जब तक ऑल्टर हो रहा है हम लोग थोड़ा आगे घूम कर आ रहे हैं। खड़े रहेंगे तो गर्म इतना हो रहा है। हाँ बहुत गर्मी है। सच्चा बाइक पे राउंड ले लेते, सब जगह सेल लगे यार, सेल में भी ऐसा प्राइस होगा। हाँ, सो आगे हम दूसरे पावर लुक में रुके थे और यहाँ पे शहजान अपने लिए सारे टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, वहाँ से लिए टी शर्ट और उसको भी ऑल्टरेशन के लिए यहाँ पे आके दे दिए। अभी सॉक्स लेने आए थे, गर्मी इतनी हो रही थी, हम लोगों को नारियल पानी वाला दिखा था, हम लोग बोले पी लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जामुन का शेक भी है। तो हम लोग आ गए अभी वैशाली, और वैशाली में देखो कितना क्राउड है। सो शहजान जा रहे हैं अभी जिम और मैं जा रही हूँ ऊपर घर। बाय, अल्लाह हाफिज़। सो ये नेक्स्ट डे है जो आखिरी इस साल के रमज़ान के महीने की इफ्तारी है। माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान भरा है, हमें नेबर से भी इफ्तारी आई थी तो पूरा भर गया। अल्लाह सबके घरों में ऐसी इफ्तारी नसीब करे और अगला रमज़ान का महीना सबको नसीब करे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बस सब लोग दुआ में याद रखना। और ये देखिए ईद का चांद नज़र आ गया, माशाल्लाह आप सबको चांद मुबारक और एडवांस में ईद मुबारक मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से।
ओके गाइस, तो मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से चांद मुबारक, ईद मुबारक इन एडवांस। और बस शहजान की डैडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए आज का दिन बहुत हम लोग के लिए बोलते ना क्या, बहुत इमोशनल है, नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिनके साथ ये चीज़ हुई है वो ये चीज़ समझ सकते हैं। अल्लाह बस सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान का महीना सबको नसीब हो, और बस दुआ में याद रखना और कुछ भी नहीं, और बस अच्छे से ईद मनाना आप लोग सब, और दुआ में याद रखना। और बस यहीं पे अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ, और हमारे रमज़ान के महीने के जितने भी वीडियोज़ आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और बस अभी यहाँ पे अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर से इफ्तारी और सहरी का बनाएंगे इंशाल्लाह, जब अगर अल्लाह ने नसीब किया हमें अगला साल का रमज़ान का महीना, तो ज़रूर मिलते हैं वो टाइम पर। बाकी अब तो हमारे जो नॉर्मल डेली व्लॉग्स है वही स्टार्ट हो जाएंगे। सो यस, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखें, खास करके मेरे ससुर को, मेरे इरफान भाई की वाइफ नरगिस भाभी को, क्योंकि उनके भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन मतलब उनके लिए भी कितना डिफिकल्ट है, मैं वही सोच रही हूँ। बहुत सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये वक्त, बस अल्लाह ये वक्त भी निकाल लेंगे। अल्लाह की चीज़ अल्लाह ने वापस ले ली है, और इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते। चलो ठीक है, कुछ समझ नहीं रहा है मुझे, बस अभी मैं वीडियो अपना यहीं एंड करती हूँ। तो दुआ में याद रखना, हम सबको दुआ में याद रखना, मेरे ससुर को, इरफान भाई की वाइफ को, जितने मरूम मरूमा हैं सबको, और फलस्तीन को खास अपने दुआ में याद रखना, सिर्फ रमज़ान में नहीं हमेशा अपने दुआ में याद रखना, अल्लाह उनके लिए भी आसान करे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।